हेलो गाइस, द बाइकर बॉयज हियर वंस अगेन। सो आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ नया, जिसमें मैं दो बाइक का कंपैरिजन करूंगा, जो है बजाज की RS200 और एक है यामा की R1 वर्जन 3। सो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करना बनता है गाइस, क्योंकि गाड़ियाँ अपने ही प्राइस पॉइंट को बिल्कुल से जस्टिफाई करती हैं, पूरी तरीके से जस्टिफाई करती हैं। सो पहले हम इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। जो RS200 है वो है, वो बाइक है 199.5 cc की, और जो हमें पावर प्रोड्यूस करती है 9750 rpm पर। वो इसी के विपरीत जो R15 का इंजन है वो 155 cc का, और जो हमें पावर प्रोड्यूस करता है 10000 rpm पर। सो जो कंपनी ने इनके गाड़ियों को जो दोनों का माइलेज क्लेम किया है वो क्या है, 35 से 40 का जो माइलेज दोनों गाड़ियों का क्लेम किया गया है। लेकिन इसमें जो आपके R15 वर्जन 3 है, ये आपको जो आप रोड जो आपका नॉर्मली जाने जाना है ऑफिस से घर तक, तो ये आपको 45 से 50 का एकदम सा माइलेज एकदम से आपको दे देगी। क्योंकि मेरे बहन ने बहुत बार ड्राइव किया तो वो एकदम से बता देगी, ये 45 से 50 का ये माइलेज दे रही है गाड़ी। जहाँ ये मेरी RS200 है, ये मुझे अभी 35 तक का माइलेज दे दे रही है, उससे ज़्यादा तो अभी कुछ मिला नहीं है। सो ये इनके माइलेज की बात होगी गाड़ी। जो इन पे दोनों गाड़ी है नॉन ईबीएस है, दोनों ही फ्यूल इंजेक्शन है दोनों में ही। और जो इनका हेड लैम्प है, इसमें LED हेड लैम्प है, इसमें लो एंड हाई बीम प्रोजेक्टर लगा हुआ है गाइस। जो इनके इसमें जो दो एक अच्छी चीज़ है, वो एक VVA टेक्नोलॉजी जिसमें दी गई है V3 में, और एक स्लीपर क्लच जो आपको बहुत ही अच्छा राइडिंग में एकदम कंफर्टेबल फील कराती है। ये इनके आपके स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। अब मैं आपको इनमें कुछ इसके जो लाइट ड्यूटी के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको वर्जन 3 के लाइट बताऊंगा। तो पहले आपको देख लूंगा गाइस, पहले ऊपर की लाइट्स में जलती है, कुछ तीन स्टेप है लाइट जलने के, फिर आपको इसमें दो लाइट आगे की जलती हुई दिखाई देंगी, फिर हम जब ये करेंगे तो इसमें तीसरी लाइट खुलती है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। एकदम स्मूथ पावर है गाइस गाड़ी की, मतलब इस गाड़ी का तो मैं फैन हूँ, मतलब इसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई वाइब्रेशन आते होंगे। इसी के विपरीत हम आपको RS का लाइट के बारे में बताते हैं। चले इसकी एक लाइट देख सकते हैं आप जली हुई है ऊपर की जो दोनों हैं, फिर हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये दूसरी लाइट भी आप इसको जलते हुए देख सकते हैं गाइस, एक लाइट जलेगी, अब हम तीसरी लाइट को खोल के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी तीन स्टेप से लाइट खुलती है। तो यही दोनों गाड़ियां हैं गाइस। इसमें एक थोड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है, जो आई का टायर है जो एलोवील है वो ब्लू कलर का दिया गया है कंपनी ने। अगर आप इसको ब्लैक कलर लेंगे तो आपको ब्लैक मिलेगा, लेकिन इसमें ब्लू दिया गया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ही कंपैरिजन में इसमें खाली जो R15 के दोनों टायर में ब्लू टेपिंग दी गई, रेड कलर की टेपिंग दी गई है, वो अच्छी लगती है गाइस। बाकी आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, दोनों ही नॉन ईबीएस वेरिएंट है। अब तो खैर नॉन ईबीएस गाड़ियों का जो वेरिएंट है बंद हो चुका है, अभी कोई गाड़ी आपको 150 cc ऊपर नॉन ईबीएस पे नहीं मिलेगी। तो आप पीछे इसमें आप इसको देख सकते हैं, पीछे का भी बहुत अच्छा लुक है, देख सकते हैं गाइस आप। बट मुझे पर्सनली पीछे से थोड़ी R1 वर्जन 3 ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि उसका लुक एकदम सटीक लगता है, बेटर हाफ इस RS200 का। अभी हम राइड करके आएगा, इसको बहुत थक चुके हैं और बहुत ही लंबी राइड की है हमने, इसलिए थोड़ा आपको एनर्जी कम लग रही होगी, तो इसलिए मैं बहुत बड़ी माफी मांगता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों गाड़ियाँ, तो गाइस देख लीजिए आप। सो गाइस, जो दो अब मैं आपको अपनी थोड़ी राय बताऊंगा, अपने मेरे थॉट्स क्या है दोनों बाइक के बारे में। जो वर्जन 3 है वो सिटी के लिए एकदम बेस्ट बाइक है, एकदम बेस्ट। ऐसा नहीं है कि हाईवे के लिए नहीं है, हाईवे के लिए भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन सिटी के लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी है। इसी के भी आप जो RS200 है, ये हाईवे के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है गाइस, मतलब हाईवे के लिए V3 भी अच्छी है, लेकिन RS बहुत अच्छी है। इसमें मैं RS को थोड़ा प्लस पॉइंट दूंगा। सिटी के लिए आप थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि गाड़ी 165 किलो की है, और वहीं ये गाड़ी है 139 किलो की गाड़ी है V3। सो बहुत ही अंतर है दोनों के वेट में, ये आपको बहुत ही चलाने में बहुत ही हल्की फील होगी, क्योंकि गाड़ी ही हल्की है, इसका वजन कम है। RS200 का 165 किलो वजन है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जब मैं चलाता हूँ उस गाड़ी को तो मुझे बहुत ही हैवी लगती है,
तो जब आप ट्रैफिक में जाएंगे और कभी आप पतली रोडों पे या फिर गलियों में आप ड्राइव कर रहे होंगे इस गाड़ी को, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी। इसमें V3 में आपको प्रॉब्लम देखो नहीं मिलेगी गाइस। तो आपको जो गाड़ी पसंद है आप ले सकते हैं, दोनों ही गाड़ी अच्छी है, ऐसा तो है नहीं कि किसमें से कोई गाड़ी भी खराब है। ये तो मैं आपको बताता कि आप कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वर्जन 3 भी अच्छी है, लेकिन वर्जन 3 में अब आपको ABS डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है, तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये 175 के आसपास आपको अनुरोध मिल जाएगी। और ये है जो Rs200 है, ये आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है। इसमें थोड़ा ये मतलब इसका माइनस पॉइंट है, ये डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है, सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है, इसलिए मुझे ये थोड़ा इसका माइनस पॉइंट लगा है। ये आपको 165,000 की अनुरोध मिल जाएगी सिंगल चैनल ABS के साथ, और ये आपको 175,000 की अनुरोध मिल जाएगी डुअल चैनल ABS के साथ। क्या ज्यादा ही अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो 1,80,000 अप्रॉक्स। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS मिल जाएंगे, तो दोनों ही बेटर ऑप्शन है। बट इसमें थोड़ी कमियां हैं और इसमें थोड़ी अच्छाइयां हैं, वैसे ही इसमें भी थोड़ी कमियां हैं और इसमें भी थोड़ी अच्छाइयां हैं। सो कोई गाड़ी आपको परफेक्ट तो नहीं मिल सकती है गाइस। सो आप देख लीजिए, आपको जो भी लेना आप लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसमें रिलेटेड आगे भी इससे वीडियो डालता रहूंगा गाइस। थैंक यू।